टिफिन में मखाना क्यों नहीं खाया? क्या भूले? बहाना। क्या बहाना? याद आ गया मम्मी, वो ना हमारे स्कूल में ना शंटो आ गया था। अभी शंटी कौन है? हमारे स्कूल का मंकी, वो ना रिया का टिफिन चुरा के ले गया, और क्योंकि उस टिफिन में बनाना था नहीं ऑरेंजेस था। अरे हमने बनाना डिसाइड किया था ना, किसी मंकी को ऑरेंजेस खाते देखा है? देखा है। क्या उसको? शंटू। You know what, इतने बहाने सुने मैंने, ये बहाना पहली बार सुना है कि बहाना भूल गया। वही तो, देखो ना आप भी। गुस्सा वुस्सा तो नहीं कर पाते हो? वही तो प्रॉब्लम है ना, कुछ कह ही नहीं पाती क्योंकि हंसी आ जाती है। पर आप टेंशन मत लो स्वाति जी, नील और नेहा दोनों आपके मखाने जरूर खाएंगे, बस थोड़ा सा ड्रामा तो बनता है। मैं हेल्प करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मखाने का डब्बा पड़ा होगा उधर, है ना? आप आ ही रहे हो तो फिर दूध भी ले आओ। सबसे पहले तो एज यूजुअल मखाने को करना है टोस्ट। रोस्ट करते समय सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है घी। तो साथ में ऐसा कर सकते हो, आप जेली बना सकते हो, जेली सब बच्चे खाते हैं। हाँ। तो जी अब करते हैं जेली का काम शुरू। इसमें हम बनाएंगे जेली का मिक्सचर। ओके। ये गया दूध और ये आया कंडेंस्ड मिल्क। ए लो जी हर्शी सिरप। सब हम बनाएंगे तीन तरह की जेली, ठीक है? चॉकलेट जेली, उसके लिए ये गया हर्शीज चॉकलेट फ्लेवर्ड सिरप। फिर हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी जेली, उसके लिए ये गया हर्शीज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड सिरप। थोड़ा बीटरूट जूस, ठीक है? और तीसरी हम बनाएंगे कैरेमल जेली। सो कंडेंस्ड मिल्क, उसके अंदर डाल दिया हर्शीज कैरेमल फ्लेवर्ड सिरप। नाइस। ओके। अभी उसमें कलर कितना प्यारा है, है ना? हाँ। उसके अंदर थोड़ा सा नमक, उसकी स्वीटनेस ब्रेक करने के लिए। हो गया जी? हाँ जी, तीन मिक्सचर बन गए। ओके, अब इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ये बड़ी खूबसूरत चीज, इसे कहते हैं अगर अगर। अगर अगर को जब भी हैंडल करें तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट यू हैव टू मिक्स इट व्हेन इट्स कोल्ड, ब्रिंग इट टू अ बॉयल एंड इट्स डन। दैट्स इट। ये हमारी ट्रे है जेली की शेप देने के लिए। दिस गोज इन टू द फ्रिज, 15 मिनट में सेट हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डबल क्वांटिटी डाली है अगर की। ओह माय गॉड, ये लीजिए। क्या करने वाले हैं इसमें? मसाले कूटने वाले? हाँ। ड्राई फ्रूट्स? बिल्कुल, थोड़ी सी शुगर, बादाम और पिस्ता, ये है हमारा मसाला। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चा और थोड़ा सा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमेशा मेरे पास रहता है। वो क्या है? केसर। थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल बिट, जस्ट अ फ्लेवर। ये आ गई जेली। वाओ, ओह माय गॉड। सो इसको निकालने के लिए वी जस्ट पुट द फोक फ्रॉम वन साइड। वी हैव टू कट इट इनटू क्यूब्स। ये मेरा टिफिन है, मेरे इस टिफिन में पहले डालेंगे मखाना। ये गया हमारा मसाला। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है जेली के अंदर क्योंकि ऑयल से ही मसाला जो है मखाने को पकड़ेगा। आई कांट वेट, कल जब मैं सर्व करूंगी नील और नेहा को, वो कितने एक्साइटेड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच रणवीर। यू आर मोर देन वेलकम। सो नाउ इमेजिन दिस इज योर टिफिन बॉक्स एंड दिस इज व्हाट यू डू। तो ये इसको अच्छे से बोल में डाल देते हैं थोड़ी सी। Probably a half an hour of your time, but एक नई dish makhana jelly bhel, a dish that you would never have imagined. Makhana jelly bhel, wow. बहाना भूल गए। I mean that's the highlight of my day. ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो नील और नेहा के लिए मखाना जेली भेल और अगले बहाने का इंतजार। After all, अगर हर्शीज हो साथ तो खाने में थोड़ा ड्रामा तो बनता है।